Thank you again, Baba. Power by भैया टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ में नाजर एक बार फिर खुशामदी नाजर। जैसा कि आप जानते हैं, ये बाबर आजम अपने जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। जब भी बाबर आजम को कोई भी अगर आवाज़ देता है या सेल्फी के लिए को बुलाता है तो फौरी रुक जाते हैं। नाजर अब चलते हैं अपनी खबर के असल की जानिब। नाजर जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त मेलबर्न ग्राउंड में मौजूद है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भरपूर प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ है। पाकिस्तान ने मेलबर्न ग्राउंड में पूरी तैयारी कर ली है कि मेलबर्न ग्राउंड जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच खिलाएगा वो बॉक्सिंग मैच खिलाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, जबकि बाबर आजम ने भी बॉलिंग की खूब प्रैक्टिस की और शाहीन के साथ सेल्फियाँ भी बनवाई। नाजरीन, ये शाहीन अफरीदी की एक तस्वीर देख सकते हैं कि जिनसे उनकी नाक में दाना हुआ और खातून सेल्फी ले रही हैं। दूसरी जानिब नाजरीन, एक बुरी खबर भी है। खुर्रम शहजाद इंजरीज़ के बायस सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। जी हाँ नाजरीन, खुर्रम शहजाद सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं, जबकि वसीम जूनियर को उनकी जगह शामिल कर लिया गया है। दूसरी जानिब नाजिम मोहम्मद हफीज़ ने पाकिस्तान जो एक अफवाह फैलाई गई थी कि रिजवान और बाबर आजम को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में बिठाए जाने का इम्कान है, उनकी उन्होंने तरदीद कर दी है। बोले ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि बाबर और रिजवान को बिठाया जाएगा। बोले वो न्यूजीलैंड के सीरीज़ में बिल्कुल मौजूद होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉक्सिंग मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले 22 दिसंबर को दो रोज़ा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो क्लब टीम है उसके दरमियान प्रैक्टिस मैच भी कराया जाएगा। नाजिक क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से आप ताज़ा तरीन अगर अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।